थैंक्स कहना अपने चीफ मिनिस्टर को कि मैं जिंदा वापस आ गया। ये किस स्तर की बातें कर रहे हैं भारत के संवैधानिक पद पे बैठ के, इसकी गरिमा को इतना ना गिराए मोदी जी, और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप में सच जनता के सामने आना चाहिए। और अगर इसे घटियापन की राजनीति और राष्ट्र की व्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला कदम, तो जेपी नड्डा का ट्विटर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य, राजनीति को इतने नीचे के स्तर पर मत गिराओ कि बिल्कुल भरोसा खत्म हो जाए, तुम्हारा कुछ दांव पे नहीं है। भगत सिंह इस देश के लिए फांसी इसलिए नहीं चढ़ा था कि कोई नरेंद्र मोदी जैसा पूंजीपतियों का एजेंट, झूठा, अज्ञानी, अहंकारी आगे इस व्यवस्था, इस राष्ट्र को नुकसान पहुँचाए। यार किस तरह की बात कर रहे हो, तो लोग तो आए ना वीडियो में, तो नजर आ रहे हैं, वो लोग कहाँ से आए, क्यों, वो कौन लोग हैं, इसी की तो जांच होनी है। कहीं ऐसा तो नहीं किसानों के कपड़ों में, साधारण कपड़ों में इन्होंने ही कुछ आदमी ऐसे लगा दिए एजेंसीज ने? कैसे पता चला कि ये रूट बदल गया है? वो कौन आदमी था जिसने हेलीकॉप्टर की जगह कार को कहा? वो कौन आदमी था जिसने ये रूट तय करा? कितनी देर पहले किसानों को ये बात पता चली? ये किसान है स्पॉन्सर्ड तथा कथित किसान, ये 10 मिनट में वहां पहुंच गए। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन इनसे जो आरोप लग रहे हैं और जिस स्तर के लोग आरोप लगा रहे हैं, वो बहुत अफसोसनाक। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि अब भरोसा खत्म करते करते सत्ता के लिए राजनीति इस स्तर पर पहुंच गई है कि जहां पर इस तरीके के आरोप लगने लगे हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश कर रही है कोई राजनीतिक पार्टी, ऐसा कर रही है, ऐसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा जिसने इस तरीके की साजिशों की सबसे ज़्यादा कीमत अदा करी है, तो ये राजनीति का बड़ा घटिया स्तर है। दूसरी बात ये कि समझने वाली बात है कि एनर्जी जब मूव करती है तो एक सुरक्षा चक्र जो है प्रधानमंत्री का, वो उनके चारों तरफ एक दूरी तक मेंटेन रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुरक्षा कर्मियों को ये नहीं मालूम था कि उस रास्ते पे क्या होने वाला है? तो ये चूक तो है, लेकिन एनएसजी के और प्रधानमंत्री की साइड पर है, तो इसकी जांच सीबीआई से या इससे उससे करवाने से कोई फायदा नहीं है, तो तोते हैं सरकार के। सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि मुद्दा भरोसे का है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अपने अंडर में जांच लेनी चाहिए कि जहां ये पता चल सके कि इस लेवल पर जाके भारत के लोकतंत्र के साथ क्या क्या जा रहा है। तो अगर अब सच का बाहर आना बहुत ज़रूरी है, और उसमें हमें न्याय की एजेंसी को बदलना पड़ेगा, इसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से करवानी चाहिए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस सरकार बताए इसको, जो पंजाब में कांग्रेस, देखिए अगर ये साजिश है तो साजिश साबित हो। कैसे पता चल जाता है अचानक इन नेताओं को, एक मिनट के अंदर इनके पास कौन सी अंतर्यामी शक्ति है, इन्हें एक सेकेंड में ये पता चल गया कि साजिश थी और वो था और वो था, और ये किस तरीके की बातें करने लगे? जेपी नड्डा साहब एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि साहब मुख्यमंत्री जो हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, ये क्या कहने का आपका स्तर आ गया? क्या करता मुख्यमंत्री जब सारी की सारी सिक्योरिटी एनएसजी के अंडर में चली गई, तो मुख्यमंत्री किसे फ़ोन करेगा? लेकिन ये बातें लोगों को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए मुद्दों पे से, सरकार के काम करने का तरीका ये नहीं है जिस तरीके को ये बीजेपी के नेता इस वक्त पब्लिक के सामने कह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पतन की पराकाष्ठा ये है कि प्रधानमंत्री ने लौटकर, नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए थे और वो आकर ये कहें कि साहब मैं जिंदा वापस आएगी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी सेंटर का कानून है, एजेंसी है, सबके ऊपर प्रिवेल करता है, जब वो जाते हैं तो सारे के सारे राज्य के और केंद्र के संसाधन उसके डिस्पोजल पर होते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन ये तो दोनों तरफ से पलटवार हो रहा, कांग्रेस कह रही है कि इनकी रैली में भीड़ नहीं थी, इस वजह से इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र। भीड़ थी या नहीं थी, वो एविडेंस वहाँ पे हैं कि कितने लोग थे, वो मौसम ख़राब की वजह से नहीं पहुँचे, या इनकी जो इन्होंने अभी तक किया, देखिए ईमानदारी की बात बताऊँ, पंजाब के अंदर इस वक्त एक बात ये थी कि हम एक साल तक इस आदमी के दरवाजे पे इसके इंतज़ार में पड़े रहे और इसने हमें मिलने के लिए नहीं बुलाया, ये हमारे पास नहीं आया, हमारे 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए और ये तब अब हमारे घर आ रहा है, तो उनमें एक आक्रोश तो है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस आक्रोश में क्या करेंगे कि वो इसकी रैली में नहीं जाएंगे। लेकिन इस तरीके से ये इसे षड्यंत्र बता के प्रधानमंत्री के ऊपर लाने ला के ये तरीका भारत के लोकतंत्र ना, लोग आपने देखे होंगे भक्ते हुए गाड़ियों के साथ भी, नहीं वो रास्ता क्यों रोकेंगे, कैसे रोक लेंगे, वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे रास्ता रोकने वाले, वो एनर्जी के अंडर में है भाई,
जांच होनी चाहिए एनएसजी के ऑफिसर्स की और सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में होनी चाहिए, राष्ट्र के सामने सच आना चाहिए, राजनीति का स्तर इतना ना गिराया जाए कि जिसके ऊपर व्यवस्था दांव पे लग जाए। कंट्री फर्स्ट, देश इन सबसे बड़ा है, बीजेपी से भी बड़ा है, संघ से भी बड़ा है, मोदी से भी बड़ा है, कांग्रेस से भी बड़ा है, नेहरू से भी बड़ा है, गांधी से भी बड़ा है, देश सबसे बड़ा है। और देश जिस तरीके से चलता है सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मानते ही तो नहीं। इतने दिन से आपसे चिल्ला चिल्ला के मैं कह रहा हूँ ना, मीडिया चिल्ला रही है बुरी तरह से सर, मैं भी तो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा हूँ कि भैया ये तो कम से कम पढ़ लो संविधान में और कानूनों में लिखा क्या है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, SPG, DGP, PGP, इतनी सारी एजेंसीज उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं कि वो एक सुरक्षा चक्र है इनका, वो जब मूव करता है तो इनके चारों तरफ वो चलता है अपने आप। अगर मेरे से आगे वाला 100 किलोमीटर आगे होना चाहिए तो मैं अगर 50 किलोमीटर आगे बढ़ गया तो 50 किलोमीटर वो भी आगे बढ़ गया। लेकिन पंजाब के सीएम कह रहे हैं कि इन्हें हेलीकॉप्टर से आना था हेलीपैड तक, ये गाड़ी से कैसे आए, क्यों आए? भाई उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, वो हेलीकॉप्टर से आएंगे, पानी के जहाज से आएंगे, पनडुब्बी से आएंगे, पंख लगा के उड़ के आएंगे, ये फैसला इनका है, इसमें वो चीफ मिनिस्टर करेगा क्या, उसका जिक्र क्यों हो रहा है, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। पूरा तो निशाना निपुण से कहा जा रहा है इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा, गृहमंत्री दे दे, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, उन लोगों ने गड़बड़ करी है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, इनके पार्ट पे गृहमंत्री इस्तीफा दे दे, मीडिया पियाए माँ का दूध, सच को सुनेंगे। अरे मन मर्जी से चलने वाले लोग हैं यार, देश इनके लिए क्या है? तो क्या आप इसे षड्यंत्र नहीं समझ रहे? षड्यंत्र किसके हिस्से पे, जांच कर लो, मुख्यमंत्री नहीं निकलेगा जिम्मेवार, कांग्रेस नहीं निकलेगी जिम्मेवार, जिम्मेवार वो लोग निकलेंगे जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की, एनएसजी जिम्मेवार निकलेगी, गृहमंत्री निकलेगा। आप भाग्यशाली थे बिना चोट लगे आ गए, इतने भाग्यशाली पुलवामा वाले नहीं थे, चूक वहां भी हुई थी, उस चूक की कौन सी जांच कर ली आपने? तो क्या किसान हम वहां तो किसान, किसानों को पता कैसे चली मेरे दोस्त, मुझे ये तो बता दो। कहा जा रहा कि पंजाब पुलिस कितनी देर पहले रास्ता बदला, पंजाब पुलिस ने बताया होगा, उनको कैसे पता चला बताओ? तो वो पंजाब पुलिस वाला ऐसा आदमी ढूंढ लाओ, उसे भारतीय किसान यूनियन अपनी तरफ से खुद ही बता देगी कि इनाम दें क्या सजा दें। मतलब एक पुलिस वाले के कहने पे अचानक इतने सारे लोग वहाँ पहुँच गए, राकेश जी का चिल्ला चिल्ला के मर गए, तब लोग बॉर्डर पर नहीं आके दे रहे थे, तो ज़्यादा बड़ा नेता हो गया पुलिस वाला। तो किसकी तरफ से पता पड़ा किसानों को, और इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ थे कब? किसान नहीं थे वहाँ? अगर होते तो वो रूट में कैसे था? लेकिन वहाँ जब रैली होनी थी तमाम जो पोस्टर लगे उन्हें भी फाड़ते नजर आने किसान, तो ऐसी ये उनका आक्रोश है, वहाँ पोस्टर फाड़ लेंगे, कुर्सी तोड़ लेंगे, कुर्सी उठा के घर ले जाएंगे, ये आक्रोश है, नहीं आएंगे ये आक्रोश है। लेकिन प्रधानमंत्री पे एनर्जी का सुरक्षा चक्र तोड़कर गोली लग जाती तो इस पूरे मामले से किसको फायदा होगा? मुझे ये तो नहीं आ रहा हूँ किसको फायदा होगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं, और प्रधानमंत्री साहब इससे कोई फ़ायदा उठा नहीं पाएंगे क्योंकि लोग जानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, वो जान चुके हैं लोग। और नुकसान मैं आपको कन्फर्म बता दे रहा हूँ किसका होगा, नुकसान देश का हो रहा है, हमारी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का हो रहा है, हमारी एजेंसीज का हो रहा है भाई। तो नुकसान तो कन्फर्म है कि तुम्हारा मेरा संविधान का, एजेंसीज के ऊपर भरोसे का नुकसान उसका हो रहा है, ये अपने अपने फायदे देख। स्मृति ईरानी ने एकदम मोर्चा संभाला, कहा कि ये कांग्रेस की ऐसी गंदी हरकत है, देखी ये कौन है स्मृति ईरानी? केंद्रीय मंत्री नहीं, आप जानते नहीं है क्या? केंद्रीय मंत्री स्मृति, वो जो पहले वो सीरियल्स में काम किया करती थी, सीरियल में क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि मंत्री भी कभी एक्टर थी, वही वाली ना। तो बेचारी को कहने दो, ऐसे हेमा मालिनी कानून नहीं समझाने आई थी? ये किसान जानते नहीं है कि ये कानून किस तरह से उनके फायदे में है। जैसी हेमा मालिनी सीनियर है, ये जूनियर है बेचारी। बाबा रामदेव ने मोर्चा खोल दिया कि 133 करोड़ जनता का अपमान है ये, उनकी बेइज्जती है ये। बाबा जी वापिस आ गए क्या मैदान में? ओ मोदी जी के सम्मान में बाबा जी मैदान में, अब बाबा दो हो गए, लड़ाई हो जाएगी। आप लोग राजनीति ना करें, पत्रकारिता करें, ऐसे सवाल कृपया करके ना पूछें कि जहां सब आदमी एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हो। तो आपने अब दो बाबा जी कर दिए, बाबा जी ऑलरेडी एक हैं, ये दूसरे वाले बाबा जी नहीं चलेंगे इनके काम आए नहीं, अब ओरिजिनल बाबा आ चुके हैं यार, अब बाबा सिर्फ एक हैं गोरखपुर वाले, ये बाकी जितने हैं और उनकी नक्कालों से सावधान, उनकी कोई ब्रांच नहीं है।
बीजेपी ने कड़ा मोर्चा संभाल लिया इस पूरे मामले को लेकर। हर कोई बयान दे रहा, तमाम मुख्यमंत्री नेता हर कोई कह रहा कि प्रधानमंत्री के साथ ये क्या होने वाला था। बहुत चिंता की बात है और बीजेपी की चिंता बिल्कुल वाजिब है। क्यों मुझे पका रहे हो यार सुबह सुबह? बीजेपी वाली इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, पब्लिक को बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात वही है कि जब आदमी का ये पता चल जाए कि भाई ये झूठा है, तो चाहे धीरे से बोले चाहे चिल्ला के बोले, सामने वाला तो जानता कि झूठ बोल रहा है, तो इनका झूठ पकड़ा गया भाई। तो आपको नहीं लगता लोकल प्रशासन के भी देखना चाहिए था वहाँ पर ये लोग कहाँ से आए, क्यों आए, उन्हें भी देखभाल? उस गाँव के चौकीदार को फौरन टर्मिनेट कर देना चाहिए जिसके इलाके में ये हरकत हुई है। उस SHO के ऊपर फौरन हरकत होनी चाहिए और गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिसके इलाके में ये हुई है। SSP को तो कर दिया उन्होंने सस्पेंड। NAG के चीफ से पूछ लो कुछ, वो भी IPS, वो छोटा IPS है, काम कुछ तो होता हुआ दिखना चाहिए, उसका ही कानून मेट दिया। इसके पीछे क्या लग रहा है आपको, क्या है पूरा ये मामला, क्या समझे जनता इसको? दुर्भाग्यशाली मूर्खता। और जनता को आप समझना चाहिए कि ये नेता सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। घर की मालकिन कौन रहे, मालिक कौन रहे, इसके लिए घर फूंक भी सकते हैं।